नमस्कार, मैं मनीषा राघव, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। भाईजान सलमान खान पिछले 13 सालों से अपने फैंस को ईदी देते आ रहे हैं। इस बार भी ईद है और ईद के मौके पर सलमान खान ने अपने फैंस को तोहफा दिया है। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान तमाम सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। किसी का भाई किसी की जान को भारत में 4500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और विदेशों में इसे 1200 स्क्रीन मिली है। फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी खबर अच्छी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये फिल्म ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फिल्म का नाम लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल फिल्म के नाम को टैग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका खुमार भारतीय रेलवे के सर पर भी छाया है। रेलवे ने एक नया नियम बनाया है जिसका टैग रखा गया है किसी का टिकट और किसी का सफर। यानी कि इसमें अगर आप रिजर्वेशन करा लेते हैं, यानी कि ट्रेन का रिजर्वेशन अगर आप करा लेते हैं तो, और सफर पर नहीं जाना चाहते हैं या जा नहीं पा रहे हैं, तो अपना टिकट आप ट्रांसफर भी करा सकते हैं। यानी कि इसमें एक नियम भी जोड़ दिया है, आप ये टिकट ट्रांसफर तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ। आप किसी रिश्तेदार या फिर अपने दोस्त को ये टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अब इससे ये तो साफ हो गया कि सलमान खान की फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हुई हो या फिर पीके पड़ गई हो, लेकिन इसके नाम की अलग ही पहचान अब देखने को मिल रही है। जैसे कि रेलवे का टैग ही आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दिखेगा। ये फिल्म एक कंप्लीट फैमिली ड्रामा है जिसमें रोमांस तो है लेकिन एक भी किसिंग सीन नहीं है। एक फुल मसाला फिल्म है जिसमें एक्शन, फैमिली ड्रामा, रोमांस, नाच गाना, कॉमेडी के साथ साथ तरह तरह के एंटरटेनिंग एलिमेंट्स डाले गए हैं। कहानी एवरेज है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। मूवी के टीजर और धमाकेदार गानों ने कमाल कर दिया था। यानी कि सॉन्ग ये तम्मा, बिल्ली बिल्ली नहीं लगदा और फॉल इन लव ने एंटरटेनमेंट की एक झलक दी थी जिस पर सभी झूम रहे हैं। लेकिन अब मूवी भी रिलीज हो गई है। ये एंटरटेनिंग फिल्म फरहाद साजमी ने डायरेक्ट की है। इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 22 मई को शुरू हुई थी और दिसंबर 2022 में मुंबई, हैदराबाद और लद्दाख में खत्म हुई। सलमान खान की मूवी में पूजा हेगड़े के अलावा शहनाज गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव ज्वाल और पलक तिवारी भी नजर आई हैं। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।